मुझे पता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी है, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जिस फोन से अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो वो रात के वक्त ऐसे ही ब्लास्ट हो जाए। अब तुम्हें डराने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, बट ये एक अवेयरनेस वीडियो होने वाला ताकि सबसे इंपॉर्टेंट गैजेट कहीं तुम्हें भारी नुकसान ना करते। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पास्ट में सैमसंग जैसे कंपनीज का रेपुटेशन पूरा डाउन हो चुका था एंड इसी इशू के लिए सैमसंग के फोन्स को फ्लाइट्स में बैन कर दिया गया था। एंड ये स्टोरी सिर्फ सैमसंग का ही नहीं, आईफोन 4 में भी सेम एक इंसिडेंट हो चुका था एंड रेडमी का सबसे बढ़िया फोन रेडमी नोट 5 प्रो के साथ भी सेम हादसा हो चुका। सो बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स के साथ ये ब्लास्टिंग इशू हो चुका। अब क्या हो चुका है ये तो मैंने बता दिया, बट क्यों हुआ एंड क्यों हो रहा है? देखो, स्मार्टफोन में बैटरी ही मेन ऐसा पार्ट है जिससे आग लग सकता है या फिर ब्लास्ट हो सकता है। सो क्या वो चीज है जिनसे बैटरी में ये प्रॉब्लम्स आ सकता है? नंबर वन, मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कंपनीज की तरफ से डिफेक्ट हो जाता है, सो उसके इसमें तुम्हारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं होता। नंबर टू, कभी अगर हाथ से फोन गिर जाए यानी फिजिकल डैमेज हो जाए तो बैटरी डैमेज होने का चांसेस रहता है एंड एज अ रिजल्ट नंबर थ्री, दूसरे नॉन ब्रांडेड चार्जर से अगर तुम अपने स्मार्टफोन को रेगुलरली चार्ज कर रहे हो तो ये बैटरी को इफेक्ट करता है। तो वो सभी चीजें जिससे बैटरी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डैमेज होता है, वही मेन रीजन है स्मार्टफोन एक्सप्लोड का। बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, सीधा शब्दों में बताओ तो एनर्जी बैटरी में ही स्टोर होता है। अब जब भी कोई भी एनर्जी का ड्रेनेज सही से नहीं होता तब होता है प्रॉब्लम। किसी भी कुरियर सर्विस से स्मार्टफोन या फिर बैटरी रिलेटेड कुछ भेजो, पता चल जाएगा, वही बोलेंगे कि बैटरी को ड्रेन करके देना अगर भेजना है। अब तुम्हें कैसे सावधान रहना है? पहले तो अनवांटेड डैमेज से अपने फोन को बचाना है, तो सिंपली एक अच्छा खासा केस यूज कर जिससे अगर हाथ से फोन अगर गिर भी गया तो डायरेक्टली बॉडी पर चोट नहीं आए एंड इससे बैटरी में डायरेक्ट फिजिकल डैमेज होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाए। उसके बाद फोन को ज्यादा कवर मत करो चार्जिंग के टाइम। देखा होगा ना, चार्जिंग पे लगाते टाइम ही मतलब फोन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। एक तो हीट हो रहा है, उसके ऊपर अगर इसको और कवर करोगे तो फिर हीटनेस वो बढ़ जाएगा। तो फोन को नॉर्मली किसी भी ओपन टेबल पे रख के या फिर किसी भी सरफेस के ऊपर रख के आराम से चार्ज कर बेहतर रहेगा। उसके बाद एक्सट्रीम टेम्परेचर में फोन को ज्यादा यूज मत कर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसी हिसाब से बैटरी का डैमेज उतना ही ज्यादा होता है, सो इस बात को याद रखना। सो तपती धूप में फोटोग्राफी एंड गेमिंग को स्किप ही रखना। नंबर चार, अगर कभी फोन में डिफेक्ट्स आ जाए तो जब तुम उसको ठीक करने जाओ तब ये मेक श्योर करना कि जो भी पार्ट्स रिप्लेस हुआ वो प्रॉपर ऑथराइज्ड पार्ट, वरना इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और जितनी भी बातें मैंने बताया इन सभी चीजों से तुम अपने स्मार्टफोन का काफी अच्छे से ख्याल रख पाओ। और कभी अगर फोन का बैटरी फूल जाए तो फिर उस फोन को स्किप ही करो भाई, यूज मत करना। और अगर रिमूवेबल है तो फिर बदल लो बैटरी। और मैं रेकमेंड करूंगा कि सोते वक्त अपने फोन को थोड़ा दूर रख के ही सोना चाहिए और हो सके तो फोन को थोड़ा कम यूज करो। और जब भी यूज करो मेक श्योर कि भाई का वीडियो देखो। सो यही था आज का ये वाला वीडियो, थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट था, ट्राई किया। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करना ताकि उनको ये आइडिया लगे कि क्यों स्मार्टफोन्स ब्लास्ट होते हैं। और हाँ, अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो फिर स्वागत है, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। सो गुड बाय। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। तपती चलती गर्मी का मौसम आया।